हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक चैप्टर लेके आए हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये आपकी पॉलिटिक्स के पूरे चैप्टर को अच्छे से कवर करेगा। साथ ही साथ हम इसमें 80 चैप्टर्स हैं, जो वन बाय वन सारे चैप्टर हम आपके आसानी से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। देखिए, आज हम पॉलिटिक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें कई सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि कोई भी चीज़ की जो घटना होती है उसकी स्टार्टिंग कब से हुई है, तो हमारे पास कोई एग्जैक्ट प्रमाण पत्र नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका पास्ट जानते हैं, ताकि हम पास्ट को पता करते हुए फ्यूचर के बारे में बेहतर समझ सके। तो सेम पॉलिटिक्स की कुछ घटना है महत्वपूर्ण है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो जो ब्रिटिशर्स थे, आप यहाँ पे देख रहे हो, 1600 में ये भारत में आते हैं। कब आते हैं? 1600 में आते हैं। और ये इनका मेन मोटिव क्या होता है? ट्रेड करना होता है, और इन अ फॉर्म ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब ये यहाँ इंडिया में आते हैं तो ये एज ए ट्रेडर होते हैं, और विच हैड द एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इन इंडिया अंडर द चार्टर ग्रांटेड बाई क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। आप यहाँ देख रहे हो, जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट हैं, इन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर ग्रांट किया था, ताकि भारत में आप आइए और साथ ही साथ ट्रेड करिए। वहीं 1765 में क्या हुआ, कंपनी विच टिल नाउ हैड अ प्योरली ट्रेडिंग फंक्शन। अब आपको बच्चों बताएं एक बात, इसमें भारत में अंग्रेज लोग कब आए, 1600 में। इनका मेन मोटिव क्या था? ट्रेड करना। लेकिन इसके बीच में दो बैटल हुई जो सबसे महत्वपूर्ण हुई थी, एक बैटल ऑफ प्लासी 1757 और दूसरी बैटल हुई थी 1764 में, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। और उस केस में क्या हुआ, जब बैटल ऑफ बक्सर ख़त्म हुआ तो 1765 में इनको दीवानी राइट्स मिल गए। जो दीवानी राइट्स मिल गए, इससे इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आसानी से रेवेन्यू वसूल करने का राइट मिल गया। दिस स्टार्टेड कैरियर एज ए टेरिटोरियल पावर। और फिर उन्होंने अपने एक टेरिटरी बनाना शुरू कर दी, एक बाउंड्री बनाना शुरू कर दी। 1858 के बारे में बात करते हैं, इन द वेक ऑफ द सिपोई मोटनी। अब इसी के पास क्या हुआ, 100 साल जब इन्होंने अच्छे से रूल कर लिया, तो यहीं पे इंडिया में एक रूल आ जाता है, एक रिवोल्ट पैदा हो जाता है, कई सारी सिपाही जो हैं वो विद्रोह कर देते हैं, जिसको हम लोग सिपाही म्यूटनी कहते हैं, या 1857 का रिवोल्ट, यानी 1857 का रिवोल्ट कहा जा सकता है। हुआ क्या था इसमें, 1858 के जब ये रिवोल्ट 1857 का हुआ, तो जो ब्रिटिशर्स थे वो इस बात से घबरा गए, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल कर रही थी, अब ये डायरेक्टली कंट्रोल होगी कहाँ से, ब्रिटेन से। और भारत में उस समय स्टार्ट होता है ब्रिटिश क्राउन रूल, ठीक है, जो डायरेक्टली गवर्न करेगा किसको, इंडिया को, ब्रिटेन से। दिस रूल कॉन्टिन्यूड अंटिल द इंडिया वॉज ग्रांटेड इंडिपेंडेंस, और ये तब तक चलता रहा जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। वहीं जब आज़ादी का जब मज़ा इनको मिलता है, तो उन्होंने कहा इतना बड़ा देश है, तो इतने बड़े देश को चलाने के लिए कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन की नीड पड़ेगी, तो इन्होंने क्या किया, आज़ाद भारत के लिए एक संविधान बनाने की बात की। जब संविधान बनाने की बात की, तो साथ ही साथ इन्होंने ये देखा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अब छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, खाना हमें खाना है, तो खाना खाने के लिए पहले खाने बनाने वाले की ज़रूरत पड़ेगी। सेम भारत को चलाने के लिए संविधान की ज़रूरत थी, तो पहले ही संविधान उनको लागू करना है, संविधान लाना है, तो संविधान को बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेके आई गई। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसकी जो पहली बैठक मानी जाती है, वो आपकी है ना दिसंबर 1946 से स्टार्ट होती है, ठीक है, और ये टील चलती है आपकी 26 नवंबर 1950 तक। फाइनली क्या होता है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो जाता है। तो ये एक लंबा घटनाक्रम रहता है जो ब्रिटिश रूल भारत में रूल करते हैं, ठीक है। अगर हम ब्रिटिश रूल के बारे में बात करते हैं, तो इन्होंने कई सारे लीगल फ्रेमवर्क तैयार किए थे, ताकि हम भारत को अच्छे से गवर्न कर सके, और जो भारत में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है इसको अच्छे से मैनेज कर सके। इसके बेस में अगर हम बात करते हैं, तो इसको बेसिकली हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। भारत में अंग्रेजों ने शासन कब से स्टार्ट किया था, 1773 से 1858 तक, जो कि एक कंपनी रूल था। वहीं दूसरा फेस अगर हम इसको देखते हैं, तो ये आपका आता है क्राउन रूल 1858 से 1947 तक। देखिए बच्चों, इसमें जो पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लोग पढ़ रहे हैं, ये दो फेस में डिवाइड है। पहला तो कंपनी रूल है, और दूसरा क्या है, क्राउन रूल है। तो जो कंपनी रूल है वो 1773 से स्टार्ट होता है और 1858 तक जाएगा। क्राउन रूल जो होता है 1858 से स्टार्ट होगा, 1947 तक चलेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो हमने एक चैप्टर की समरी आपको दी है, आई होप सो आप उसको बेहतर समझ सके होंगे। हम अब सबसे पहले जो पार्ट है इसमें डिस्कस करेंगे कंपनी रूल। तो कंपनी रूल की जो स्टार्टिंग मानी जाती है, वो 1773 से मानी जाती है और 1858 तक चलेगी।
तो जो 1773 में कंपनी रूल स्टार्ट हुआ उसकी जो जड़ है वो है रेगुलेटिंग एक्ट। क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट। तो हुआ क्या, कंपनी में बहुत अधिक मात्रा में करप्शन हो रखा था, भ्रष्टाचार हो रहा था। इस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया जिसका नाम था 1773। ठीक। अब इसमें हुआ क्या था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इम्पोर्टेंस, भारत में पहली बार संविधान आया, यानी भारत को चलाने के लिए संविधान बन रहा है। ठीक है, भारत को चलाने के लिए क्या बनाया जा रहा, संविधान। तो संविधान की शुरुआती जो होती है वो 1773 से होती है। क्यों संविधान की शुरुआत 1773 से होती है, क्योंकि भारत में क्या हुआ था, करप्शन आ गया था। इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए आपको 1773 के कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस को समझना है। पहला काम इन्होंने क्या किया, इट वॉज लेड डाउन। ठीक है, अब आपको समझना क्या है, इट वॉज लेड डाउन। ठीक है, सॉरी, ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। देखिए, अब हुआ क्या, ये पहली बार ऐसा स्टेप टेकन किया था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। अब भारत में क्या होने लगा था कि कंपनी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो कंट्रोल और रेगुलेट करेगी पहली बार। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इट रिकग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। दूसरा क्या किया, भारत में जो पॉलिटिकल है और एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन, इन दोनों को अच्छे से रिकग्नाइज किया जाएगा। और तीसरा जो पॉइंट था, फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया, और भारत में एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें तीन पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन। और दूसरा मैंने बताया, इट रिकग्नाइज फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। और तीसरा है, इट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके क्या फीचर थे। सबसे पहले, इट डिजिग्नेटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब हुआ क्या, जो बंगाल के गवर्नर थे, इनके पद का, इनका जो पोस्ट थी, इसका नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। और इन्होंने क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 members, और इनके सपोर्ट में 4 members आ गए। अब देखिए, यहीं से पार्लियामेंट एक तरीके से बनना शुरू हो गई भाई। इनका पोस्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल, और इनके सहयोगी जो टीम थी 4 members आ गए थे। अब वो अभी हम आगे आपको बताएंगे वो 4 member कौन थे। और जो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने उनका नाम था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। क्या नाम था बच्चों, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो पहला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग को, और इनके 4 executive member थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं, इट मेड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। अब अगर आपके माइंड में एक इंडिया का मैप आ रहा होगा तो आप थोड़ा सा रिकॉल करो कि बॉम्बे कहाँ आता है बच्चों, जो प्रेजेंट टाइम में आप महाराष्ट्र का एरिया देख रहे हो, मद्रास नीचे एकदम बॉटम साइड एरिया देखिए। ठीक है, तो कह रहे हैं बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंट्स है वो कंट्रोल में आ जाएंगे किसके, बंगाल के, यानी जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसके अंडर काम करेंगे कौन, बॉम्बे और मद्रास के प्रेसिडेंट गवर्नर। ठीक है, यानी कोई भी डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी उनसे सलाह लेके ही काम करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट 3 presidency एक तरीके से हो गई, जो पहले क्या होती थी आप इसमें देखो लिखा है, व्हेन द 3 presidency वर इंडिपेंडेंट वन ऑन अनदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, पहले आज़ाद थी लेकिन अब क्या हो गया, वो इनके अंडर में आ जाएंगी। तीसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये पहली बार यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बनाया गया 1774 में, पहली बार सुप्रीम कोर्ट बनाया गया जिसमें 1 chief justice था और 3 इनके subordinate judges थे। वहीं चौथा पॉइंट अगर हम डिस्कस करते हैं, इट प्रोहिबिटेड अ सर्वेंट ऑफ कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड और एक्सेप्टिंग प्रेजेंट और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव। इन्होंने क्या किया, जो ये एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट आया इसमें इन्होंने कहा कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, वो किसी भी तरीके का कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे, साथ ही साथ वो ब्राइब मतलब समझते हैं घूस, ना कोई घूस लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट और पांचवा जो इनका फ्यूचर है, सॉरी फीचर्स है, उस पर हम चर्चा करें, इट एक्सटेंड द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ओवर द कंपनी बाय रिक्वायर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। देखिए, कंपनी अब क्या हो रही थी, बड़ी हो रही थी। जब कंपनी बड़ी हो रही थी तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या हुआ, एक गवर्निंग बॉडी बनाई गई। ठीक है, यहाँ पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होता है, जो कंपनी को फॉर्म करता है, ठीक है, टू रिपोर्ट ऑन इट्स रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर। 3 चीज़ों पर ये रिपोर्ट पेश करेंगे, कौन कौन से हो गए,
रेवेन्यू आपका हो गया, सिविल हो गया और मिलिट्री अफेयर्स हो गए, इन तीनों को पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो बच्चों आपको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप सो, आप मज़ा भी ले रहे होगे इसको पढ़ते हुए, ठीक है। और अब हम अगला एक्ट स्टार्ट करेंगे, अमेंडिंग एक्ट 1781। देखिए इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बच्चों कहा जाता है। कारण क्या था, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया इसमें सुप्रीम कोर्ट आया था। क्या आया था? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट आने की वजह से दिक्कत क्या हुई कि यहाँ पे कंडीशन ये हो गई थी कि जो गवर्नर जनरल है उसको प्रायोरिटी दी जाए कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उसको प्रायोरिटी दी जाए, तो दोनों में डिस्प्यूट हो गया। इस डिस्प्यूट को ध्यान में रखते हुए एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है 1781 का, ठीक है, जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है बच्चों, इसमें अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ पीडीएफ, आपको बच्चों समझ में आएगी। हाँ, तो अगर हम इसमें बात कर रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे देखो कुछ इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे सबसे पहला जो फीचर है इसमें, इट एग्जम्प्ट द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इन्होंने क्या किया, तो जो गवर्नर जनरल और जो काउंसिल के मेंबर थे इनको सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन से बाहर कर दिया for the act done by them in their official capacity. Similarly, it also exempt the servant of company from the jurisdiction of the Supreme Court for their official action. तो देखिए एक तरीके से कंपनी और कंपनी के जो सर्वेंट हैं इनको यहाँ से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को ये प्रायोरिटी दे दी गई कि आप कंपनी के जो मेम्बर्स हैं इनके मामले में कोई विशेष डिसीजन मेकर नहीं बनेंगे। वहीं दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर एंड द मैटर अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए साथ साथ इन्होंने क्या किया, जो रेवेन्यू मैटर हो रहे हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा तो इनको भी कहा गया इस मैटर पर इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो यहाँ एक्सक्लूड कर दिया गया रेवेन्यू मैटर को, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं तीसरा पॉइंट जो बताया गया है, इट प्रोवाइडेड दैट सुप्रीम कोर्ट वॉज टू हैव अ ज्यूरिडिक्शन ओवर ऑल द इनहैबिटेंट ऑफ द कलकत्ता। अब देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इसको ज्यूरिडिक्शन प्रोवाइड किया ओवर ऑल द इनहैबिटेंट ऑफ कलकत्ता। इट आल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब भारत में हिंदू मेजॉरिटी भी थी, मुस्लिम भी थी, तो जो हिंदू को डिफेंड कर रहे थे उनके लिए हिंदू लॉ बोर्ड बनाया गया, और जो मुसलमान यानी मुस्लिम को है ना कंट्रोल कर रहे थे उनके लिए मोहम्मदन लॉ बना दिया गया, ताकि हम आसानी से इन पर क्या कर सकें, कंट्रोल कर सके। इट लेड डाउन दैट अपील फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल एंड नॉट टू द सुप्रीम कोर्ट। देखिए यहाँ पे जो अपील की जा रही है ना, ये प्रोविंशियल कोर्ट कुड बी टेकन टू द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, मतलब जो प्रोविंशियल जो प्रोविंस थे, यानी जो प्रेजेंट टाइम में आज स्टेट के नाम से जाना जाता है, ये गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करते थे, ना कि सुप्रीम कोर्ट को। वहीं जो लास्ट पॉइंट था, इट इम्पावर द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोर्ट एंड द काउंसिल। लास्ट पॉइंट इसमें बच्चों इंपॉर्टेंट है, इट इम्पावर द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, जो ये गवर्नर जनरल की काउंसिल थी, ठीक है, टू फ्रेम रेगुलेशन, मतलब ये कानून बना रहे थे, ठीक है, किसके लिए, फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल, जो स्टेट में जो कोर्ट होते थे इनके लिए बनाया जा रहा था। तो इसी पे अगर हम विस्तार से चर्चा करते हैं उसी पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो कंसंट्रेट करना बच्चों, है ना। तो अब इसी में एक लास्ट पॉइंट बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं तो उसी पे हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या हुआ, अब है ना एक अगला जो आर्टिकल है वो आपका आएगा, आर्टिकल कह रहे हैं बच्चों सॉरी, इसमें जो अगला आपका एक्ट पास हो रहा है वो पिट्स इंडिया एक्ट है, 1784 में पास होगा। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट आ रहा है, पिट्स इंडिया एक्ट, ये ब्रिटेन में प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय, प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम था विलियम पिट्स। क्या नाम बताया मैंने, विलियम पिट्स, उन्हीं के नाम पे ये एक्ट पास हुआ। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट जो था वो विलियम पिट्स था, ठीक है, उन्हीं के बेस पे आया। अब यहाँ पे क्या स्टार्टिंग होगी बच्चों, यहाँ पे ये आपको बताया जाएगा कि जो इसके फीचर्स थे, ठीक है, क्या फीचर्स थे वो चर्चा कर लें। इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ द कंपनी। इन्होंने कहा कि जो कंपनी के पॉलिटिकल और कॉमर्शियल फंक्शन है दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, यानी कंपनी के जो पॉलिटिकल फंक्शन है वो अलग और कॉमर्शियल फंक्शन जो है वो अलग होंगे। साथ ही साथ ये अगला पॉइंट कहते हैं, इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर। और साथ साथ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या होता है बच्चों, जो कंपनी को चला रहे हैं उन्हीं को हम लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, टू मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर, कंपनी के जितने भी कॉमर्शियल अफेयर हैं इनको मैनेज करते हैं। बट
क्रिएटेड अ न्यू बॉडी, ठीक है, एक नई बॉडी बनाई गई जिसे बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर। देखिए कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे वो कंपनी चला रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे एक मुद्दा ये आ रहा था, एक नई बॉडी बनाई जा रही है जो पॉलिटिकल मैटर को अफेयर कंट्रोल करेगा, जो पॉलिटिकल मैटर को कंट्रोल करेगा उसको क्या कहा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इट इस्टेब्लिश अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखिए दो गवर्नमेंट बन गई, कैसे, एक हमारा है ना पॉलिटिकल अफेयर मैनेज कर रहा है जिसे है ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, और दूसरा आपका कॉमर्शियल बन गया है जिसे हम लोग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, ठीक है। अब इसी में है ना अगला पॉइंट जो हम बच्चों बात करेंगे, इट इम्पावर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशन ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश पोजिशन इंडिया। अब साथ साथ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है टू सुपरवाइज, ये सुपरवाइज करेगा ऑल ऑपरेशन, जितने भी सिविल और मिलिट्री गवर्नमेंट के है ना जो कंटेंट होते थे, जो काम होते थे, जो ब्रिटिश पोजिशन इंडिया के अंदर आते थे, वो सब बोर्ड ऑफ कंट्रोल गवर्न करेगा, ठीक है। तो ये एक्ट जो था ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना गया, इसके दो महत्वपूर्ण रीजन माने जाते हैं, ठीक है। तो कंपनी टेरिटरी इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिश पोजिशन इन इंडिया, ऐसा पहली बार हुआ था कि कंपनी की टेरिटरी है इंडिया में वो पहली बार ब्रिटिश पोजीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत आ रही थी। साथ ही साथ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनी अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन इंडिया, ठीक है। ये कंपनी के जो अफेयर है और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है इस पर कंट्रोल कर रहे थे। तो बच्चों यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब समय बीतता है और इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, तो एक्ट 1786 के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग ने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया 1773, फिर उसके बाद हम लोग ने पढ़ दिया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, और फिर उसके बाद हमने लोग ने पढ़ा विलियम पिट्स एक्ट 1784। अब हम पढ़ेंगे एक्ट 1793 के बारे में पढ़ेंगे, और इससे पहले डिस्कस कर लेंगे 1786, ठीक है। तो 1786 का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय भारत में लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे इनको अपॉइंट किया जा रहा था, ये गवर्नर जनरल थे बंगाल के, कहाँ के, बंगाल के गवर्नर जनरल बनेंगे, ठीक है। और इन्होंने जब ये भारत में आए तो इन्होंने अपने कुछ डिमांड रखी, कुछ शर्तें रखी, उन शर्तों पे चर्चा कर लेते हैं। पहली शर्त क्या बोलते हैं, ही शुड बी गिवन अ पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल एंड स्पेशल केसेस, ठीक है। इन्होंने कहा कि ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड द डिसीजन, यानी कि जो भी है ना ये डिसीजन लेंगे उस पर इनका अधिकार होगा, इस पर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ही वुड आल्सो बी ए कमांडर इन चीफ, ये साथ ही साथ जो यहाँ इंडिया में फोर्सेस थे उसके ये कमांडर इन चीफ होंगे, ठीक है। तो इनकी कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन थी जिसको मानते हुए ये एक्ट पास हो गया था, ठीक है, और 1786 में इसको इनेक्ट कर दिया गया था दोनों प्रोविजन के साथ। अब नेक्स्ट चार्टर आएगा, बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो चार्टर एक्ट आ रहे हैं आपके 1793 से शुरू होगा और बैक टू बैक चार चार्टर आएंगे 20 साल के डिफरेंस में। आप 20 ऐड करते चले जाइए, 20 ऐड करते करते आप देखोगे कि आपको चार चार्टर मिलेंगे, एक 93 हो गया, दूसरा 13 हो गया, तीसरा आपका 33 हो जाएगा, चौथा आपका 53 हो जाएगा। तो बैक टू बैक 20 साल में चार चार्टर आएंगे। तो जो पहला चार्टर है आपका उस पर हम चर्चा करेंगे जो 1793 में आया है। इट एक्सटेंड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब यहाँ पे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है इनको हम पावर दे रहे हैं ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल एंड गवर्नर ऑफ द प्रेसिडेंसी। साथ ही साथ इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर। देखिए अब यहाँ पे जो गवर्नर चल रहा है इसकी पावर को बढ़ाया जा रहा है। एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, ताकि वो आसानी से बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी को क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो इसी पे हम अगर चर्चा करते हैं विस्तार से, तो अगला पॉइंट भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 1793 में एक बात और कह दी गई, इट एक्सटेंड द ट्रेड मोनोपोली। देखिए ट्रेड मोनोपोली का सीधा सीधा मतलब क्या होता है, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। जो मोनोपोली है इसका मतलब होता है कि एक ही व्यक्ति है ना जो बिजनेस कर रहा है, जो एक ही व्यक्ति जिसका मालिक होता है, एक ही व्यक्ति डिसीजन मेकर होता है, वहां पे आएगा मोनोपोली। तो इट एक्सटेंड द ट्रेड मोनोपोली। तो यहाँ ने इन्हों कह रहे हैं जो ट्रेड मोनोपोली है इसको हम पूरी तरीके से क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड, मतलब 20 साल के लिए ट्रेड मोनोपोली चाहते थे। कितने साल के लिए, 20 साल के लिए। वहीं अगर इट प्रोवाइडेड द कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड। देखिए इट प्रोवाइडेड द कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी अ मेंबर, जो कमांडर इन चीफ होगा ना वॉज नॉट टू बी अ मेंबर, ये गवर्नर जनरल काउंसिल का पार्ट नहीं होगा, अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड।
अगला पॉइंट इसमें और महत्वपूर्ण है, इट लेड डाउन द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर हेंसफोर्थ टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यू। जो भी इनको पेमेंट होगा वो भारतीय रेवेन्यू से दिया जाएगा, यानी इंडियन रेवेन्यू है इससे दिया जाएगा। तो आई होप सो चार्टर एक्ट 1793 समझ में आ गया होगा। इसी के बाद हम अगला चार्टर के बारे में बात करते हैं, चार्टर एक्ट 1813। तो जो 1813 का चार्टर एक्ट है इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहला फीचर्स ये कहते हैं, इट एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ कंपनी इन इंडिया। देखिए ये पेपर में आया था, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या किया, जो ट्रेड मोनोपोली थी जो कि 20 साल के लिए बढ़ाई गई, इसको ख़त्म किया गया। इन्होंने कहा, इंडिया ट्रेड वॉज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट। ये जितने भी हैं ना व्यापारी हैं वो यहाँ पे आके बिजनेस कर सकते हैं। इट कॉन्टिन्यू द मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर ट्रेड इन टी। खाली आपका जो चाइना के साथ आप टी का जो व्यापार करते हो उसी पे खाली आपको कंट्रोल कर रखा है, मतलब मोनोपोली राइट दिया। उसके बाद इन्होंने कहा सारे मोनोपोली जो राइट है वो हटा दिए जाएंगे। इट असर्टेड द सोवर्जनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनी टेरिटरी इंडिया। साथ ही साथ इन्होंने कहा जो ब्रिटिश क्राउन है वो कहीं ना कहीं इस हद तक ध्यान रखेगा कि लोगों का कोई अहित नहीं होने पाए, ठीक है। उसके बाद इसी में हम आगे की जो पॉइंट है इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं और नज़र दौड़ाते हैं, ठीक है। तो इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज। देखिए बच्चों यहाँ थोड़ा सा हल्का सा मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट क्या लाइट है, मैं कंटेंट आपको समझा देता हूँ। जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे चार्टर एक 1830 इसी में है, इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम इन इंडिया। देखो ये भारत में आ रहे थे फॉर द पर्पस ऑफ इनलाइटनिंग द पीपल, लोगों को क्रिश्चियन यानी क्रिश्चियन को बढ़ावा देने के लिए भारत में आ रहे थे ताकि क्रिश्चियनिटी के बारे में लोगों को बताया जा सके। और जब वो बताएंगे तो उनको लोग क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। इट प्रोवाइडेड द पीरियड स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। साथ ही साथ भारत में कुछ वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की गई थी कि वेस्टर्न एजुकेशन कैसे प्रमोट किया जाए। तो अमंग द इनहेबिटेंट ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत में आप देखो आज ICSE स्कूल का स्थापना की गई है, तो जो ICSE स्कूल है बच्चों वो भी वेस्टर्न एजुकेशन में भी कहीं ना कहीं क्या है, बेस है। इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज द टैक्सेस ऑन पर्सन। साथ ही साथ इसमें ये भी देखा गया है कि जो पर्सन है उनके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। दे कुड आल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट अ पेइंग टैक्स। जो व्यक्ति अगर टैक्स नहीं पे किया गया उसको क्या करेंगे, पनिश करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताए गए थे। अब हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1833 की। देखिए सारे एक्ट जो बच्चों आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो इसी में हम बच्चों आगे बढ़ रहे हैं। दिस एक्ट वॉज फाइनल स्टेप टूवर्ड द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया। बच्चों एक चीज आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे ये फाइनल एक्ट है क्योंकि अभी आपको स्टार्ट करिए जो 1773 का हमने बताया था, तो पहली बार सेंट्रलाइजेशन की स्टार्टिंग हुई थी, ये आखिरी फेज है सेंट्रलाइजेशन का। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर पे अगर हम चर्चा करते हैं तो कह रहे इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अभी तक जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था वो इंडिया का गवर्नर बनेगा। एंड वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर, साथ ही साथ इसके पास सारे सिविल और मिलिट्री पावर होंगे, ठीक है। और ये पहली बार हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग अथॉरिटी ओवर द इंटायर टेरिटोरियल एरिया पजेस्ड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे वॉज अ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और जो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे उनका नाम कौन क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बच्चों एक बार फिर से आप कमेंट करके मुझे बताइए भारत का पहला गवर्नर जनरल बंगाल का कौन था, ठीक है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और अभी तो मैंने आपको बता ही दिया कि विलियम बेंटिक जो थे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे, ठीक है। अगला जो पॉइंट बच्चों इसमें कहा जा रहा है, डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज गिवेन द एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर फॉर द इंटायर ब्रिटिश इंडिया। दे लॉ मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट वर्क आउट। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारे कानून बनाए गए थे जिसमें बॉम्बे है मद्रास है तो इसमें कई सारे पावर आ गए थे। तो यहाँ कहा गया जो लॉ पहले बन चुके हैं, पहले जो ओल्ड बन चुके हैं उनको हम लोग रेगुलेशन कहेंगे, और जो लॉ मेड अंडर दिस एक्ट यानी 1833 के जो बाद यानी 1833 से जो बन रहे हैं उनको हम लोग एक्ट कहेंगे, और जो पुराने जितने निकल चुके हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलेशन कहेंगे। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट बच्चों इम्पॉर्टेंट है, इन्होंने कहा कि जितनी भी कॉमर्शियल एक्टिविटी है उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि अब भारत में पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनेगी, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल कर रही है, अब ये कैसी बॉडी बनेगी? एडमिनिस्ट्रेटिव बनेगी। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि प्रोवाइड द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर हेल्ड बाय इट्स ट्रस्ट फॉर हिज मेजेस्टी हिज। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो लीगल सक्सेसर या हायर वगैरह सक्सेसर वगैरह जो हायर्स वगैरह होते थे उत्तराधिकारी, वो सब यहाँ पे ख़त्म करने की बात कर रहे थे, क्योंकि अब पूरी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं भारत में कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जा रही थी ताकि वो भारत को एक बेहतर तरीके से क्या कर सके, रूल कर सके। अब यहीं पे जो इस चार्टर की खासियत अगर हम बात करें, तो चार्टर 1833 जो है, अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन। यहाँ पे क्या हुआ, पहली बार एक ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई सिविल सर्वेंट को लेके, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है, फॉर होल्डिंग एनी प्लेस ऑफिस एंड एम्प्लॉयमेंट अंडर द कंपनी। द प्रोविजन वॉज निगेटेड आफ्टर अपोजिशन फ्रॉम द कोर्ट ऑफ डायरेक्ट, लेकिन कई सारे लोगों ने इसका विरोध किया, इसलिए ये पास नहीं हो पाया बच्चों, ठीक है। वहीं 1853 जो है वो आपका आखिरी चार्टर है बच्चों। कैसा है? आखिरी चार्टर है। इसमें कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे ये बोला जा रहा है ये चार्टर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्टार्ट होता है, 1793 से स्टार्ट हुआ था आपका और 1853 तक चला, तो आप देख सकते हो करीब 20 साल के अंतर में चारों चार्टर आए हैं। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ लेते हैं। इन्होंने क्या किया, इट सेपरेटेड द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन थे, क्या बताया मैंने बच्चों, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन थे गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल से, वो अब क्या हो रहे थे, अलग हो रहे थे, यानी लेजिस्लेटिव जो है वो अलग हो जाएगा और एग्जीक्यूटिव अलग हो जाएगा। इट प्रोवाइडेड फॉर द एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर। अब बच्चों देखिए, पहले आपको याद होगा जब पहली बार भारत में एग्जीक्यूटिव मेंबर यानी रेगुलेटरी एक्ट 1773 स्टार्ट हुआ, तो उसमें कितने मेंबर थे, 4। अभी क्या हो गया, 6 मेंबर और न्यू ऐड किए जा रहे हैं, यानी एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर, ठीक है। तो जब 6 मेंबर और ऐड होंगे तो बच्चों कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे ना। तो देखिए पार्लियामेंट बन रही है, कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिलर टू द काउंसिल, इन अदर वर्ड एस्टैब्लिश अ सेपरेट गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम टू बी नोन एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा गया। दिस लेजिस्लेटिव विंग ऑफ द काउंसिल फंक्शनल एज ए मिनी पार्लियामेंट। अब देखिए बच्चों, इसको एक मिनी पार्लियामेंट की जा रही है कि 4 एग्जीक्यूटिव से आ गए, 6 और मेंबर ऐड किए गए, 10 लोग हो गए, तो यहाँ पे एक मिनी पार्लियामेंट बन रही है। इससे भी बच्चों एक क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अडॉप्टिंग द सेम प्रोसीजर एज अ ब्रिटिश पार्लियामेंट, लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वॉज ट्रीटेड एज स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ये माना गया जो ये काम इन्होंने किया नए मेंबर को, तो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म किया गया था, रिक्वायरिंग स्पेशल मशीनरी एंड स्पेशल प्रोसेस, और इसके लिए कुछ एक स्पेशल प्रोसेस को भी ट्रीट किया गया। अब कुछ जो अभी हमने पहले डिस्कस किया बच्चों की 1833 में पहली बार कंपटीशन सिविल सर्विसेज की स्टार्ट हुई थी, तो इट इंट्रोड्यूस द ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सेलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये स्टार्ट हो जाएगा, द कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज वॉज दस थ्रोन ओपन टू द इंडियंस अकॉर्डिंग टू द मेकाले कमेटी। अब मेकाले कमेटी के थ्रू 1854 में इसको अपॉइंट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए मेकाले कमेटी बनाई गई थी 1854 में। वहीं अगर हम आगे बात करते हैं, इट एक्सटेंड द कंपनी रूल, इन्होंने कंपनी रूल को आगे बढ़ाया, एंड अलाउड इट टू अ रिटेन पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरी, जो इंडियन टेरिटरी है इस पर पोजीशन मेंटेन करने के लिए, ऑन ए ट्रस्ट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड। अनलाइक प्रीवियस चार्टर, दिस वॉज अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ द कंपनी रूल कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कुछ ऐसी चीज़ें बना दी गई जो अब यहाँ पहले से तैयारी की जा रही है कि हम कंपनी रूल को क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे। कैसे, देखिए, इट एक्सटेंड द कंपनी रूल, पहले तो कहा गया कंपनी रूल को एक्सटेंड किया गया, एंड अलाउड इट टू रिटेन पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑन ए ट्रस्ट ऑफ ब्रिटिश क्राउन। तो जो यहाँ इंडिया में कंपनी रूल है, अब ये कंट्रोल होगा किसके थ्रू, ब्रिटिश क्राउन के थ्रू, बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई, लेकिन कब तक कंपनी रूल चलेगा इस बात का कोई एग्जैक्ट प्रमाण नहीं दे रहे हैं। कंपनी रूल चल रहा है लेकिन कब तक चलेगा इस बात का कोई, तो पहले से ही रणनीति बना ली गई थी कि कंपनी रूल चल तो रहा है लेकिन कब तक चलेगा इस बात का कोई प्रमाण नहीं था। दिस वॉज ए क्लियर इंडिकेशन दैट कंपनी रूल कुड बी टर्मिनेटेड एट एनी टाइम ऑफ द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट से कभी भी इसको हटाया जा सकता है कंपनी रूल को। तो देखिए बच्चों, ये अपने आप में एक रहस्यमय है, कई सारे लोग बोलते हैं 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसकी वजह से कंपनी रूल हटा, लेकिन
ये पहले से कहीं ना कहीं से चर्चा चल रही थी कि जो 1853 है यहीं से इसकी शुरुआत मानी जा रही है कि कंपनी रूल क्या होगा, ख़त्म हो सकता है। ठीक है, अब इसी में आगे हम बात करेंगे। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर। गवर्नर जनरल काउंसिल 4 मेंबर वर अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड बंगाल एंड आगरा। ठीक है, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा, तो यहाँ से 4 मेंबर आपके इलेक्ट हुए, तो टोटल 10 बंदे हो गए। तो अब आपको बच्चों ये ध्यान रखना, हम लोग ने अभी पूरा एक कंपनी रूल पूरा ख़त्म कर लिया है, जिसमें हम लोग ने कई सारे पॉइंट पढ़े। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ा, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में पढ़ा, फिर चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पर हमने चर्चा किया है। अब इसी में एक अगला फेज आता है बच्चों, एक ऐसी घटना मानी जाती है कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, बहुत ही ज़्यादा सरदर्दी थी, ठीक है, जिसको देखते हुए कई सारे लोग घबरा गए थे। तो 1857, दैट्स मोस्ट ग्रेट पॉइंट इन इंडिया, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय माना जा सकता है कि भारत में क्या हो रहा था बच्चों। 1857 की क्रांति आई और भारत से कंपनी रूल ख़त्म। लेकिन अब तो थोड़ा सा कंडीशन क्रिटिकल इस बात को लेके हो गई, क्योंकि भारत में क्राउन रूल आ रहा था। क्या रूल आ रहा था? क्राउन रूल। अच्छा, क्राउन रूल क्यों आया, उसका कारण देखिए, कुछ लोगों तो अभी मैंने पहले बताया कि तैयारियां पहले से ही चल रही थी। अब यहां पे केस क्या आ रहा था कि यहां पे कंटेंट को समझना है कि आपकी जो घटना है, ठीक है, वो 1858 क्राउन रूल क्यों आया। तो एक इमीडिएट कॉजेस बताया गया है कि 1858 की घटना इसलिए आई क्योंकि 1857 का रिवोल्ट हो गया। ठीक है, तो आइए अब उस पर भी चर्चा करते हैं, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो क्राउन रूल इंडिया में स्टार्ट होता है 1858 से 1947 तक का टाइम पीरियड है। दिस सिग्निफिकेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन द वेक ऑफ रिवोल्ट 1857, आल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये माना जाता है आज़ादी की ये पहली लड़ाई है, और इसको सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जाना जाता है, और साथ साथ इसको हम लोग गुड गवर्नमेंट एक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो दैट्स द मोस्ट ग्रेट पॉइंट। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे पहला पॉइंट क्या कहते हैं, इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया हैंस फोर्थ वॉज टू बी गवर्न बाई एंड इन द नेम ऑफ हर मेजेस्टी। इट चेंज द डिजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू द वायसराय ऑफ इंडिया। अभी तक जो गवर्नर जनरल एक पद का नाम था, पोस्ट का नाम था, अब इसको बदल के क्या कर दिया जाएगा, वायसराय ऑफ इंडिया कर दिया जाएगा, और डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होगा ब्रिटिश क्राउन के लिए और भारत के ऐसे वायसराय जिनका नाम था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, जो एक डबल गवर्नमेंट चल रही थी, अच्छा डबल गवर्नमेंट क्या थी, जो ब्रिटिश की तरफ से एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, दूसरा क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, इनको खारिज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तो इट इंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट, ठीक है, बाय एबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। साथ ही साथ इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड वेस्टेड द कंप्लीट अथॉरिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक न्यू पोस्ट आ गई जिसे कहा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो पूरी अथॉरिटी, पूरी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है उसको मैनेज करेगी। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं ये ब्रिटिश कैबिनेट का ही एक मेंबर हुआ करता था, जो रिस्पॉन्सिबल होता था अल्टीमेटली ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति, और उसी को ये जवाबदेही देता था। और इसके लिए एक 15 मेंबर की काउंसिल तैयार की गई जो इसको हेल्प करती थी काम करने के लिए, और जो काउंसिल थी वो एक एडवाइजरी बॉडी कही गई थी, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल माने जाते थे। जो काउंसिल 15 मेंबर की आई उसके चेयरमैन कौन होता था, यही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते थे काउंसिल के, एज अ बॉडी कोऑपरेट कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बींग सुइड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वो इंडिया के साथ साथ इंग्लैंड में भी सारी चीज़ों के प्रति शुरू कर सकते थे, यानी केस कर सकते थे। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा हम और आगे बच्चों बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया कि जो 1858 का जो एक्ट था, इसमें कई सारे इम्प्रूवमेंट किए गए थे एडमिनिस्ट्रेटिव को लेके, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट को लेके। ठीक है, तो हम इसमें जो डिस्कस कर रहे थे बच्चों कि 1858 में जो एक सेगमेंट आया था, तो 1858 जो है वॉज हाउवर ए लार्ज कॉन्फाइंड टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बाई विच इंडियन गवर्नमेंट वॉज टू बी सुपरवाइज्ड एंड कंट्रोल इन इंग्लैंड। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है,
कंट्रोल कर दिया जा रहा है कि कैसे हम इंग्लैंड में बैठे बैठे इंडिया को कंट्रोल करें। तो यहाँ इन्होंने बैठे बैठे क्या कर लिया कि एक सब्स्टिट्यूशनल वे ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ प्रिवेल किया। अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना आपको, यहाँ पे इन्होंने बैक टू बैक तीन एक्ट पास कर दिए, एक 1861 का पास किया, एक 1992 का पास किया, ठीक है, और एक 1909 का पास किया, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली आपको इतना ध्यान रखना है, ठीक है, एक 1861, 1892 और 1909, ठीक है। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 को चर्चा करेंगे बच्चों। तो देखिए, आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट फेल्ट द नेसेसरी ऑफ सीकिंग द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। देखिए, भारतीय भी जान रहे थे क्योंकि भारत में अगर कोई शासन कर रहा है तो उसे भारतीयों का सहयोग था, ठीक है। तो इसी को बेस में देखते हुए इन परस्यूएंस ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन थ्री एक्ट वर इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट में अभी जैसे कि मैंने डिस्कस किया 61, 92, 1909 तीन एक्ट पास हो गए थे। तो एक एक करके तीनों के इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 1861 का डिस्कस करते हैं। तो कह रहे हैं इट मेड अ बिगनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएशन इंडियन विथ लॉ मेकिंग प्रोसेस। देखिए यहाँ पे क्या किया गया, अब एक लॉ मेकिंग प्रोसेस तैयार की जा रही थी। प्रोवाइडेड दैट वायसराय शुड नॉमिनेट सम इंडियन। अब जो वायसराय है वही इंडियन को नॉमिनेट कर रहा है ताकि हम भारत में कंट्रोल तभी करेंगे जब भारत को लेके चलेंगे। तो इन्होंने क्या किया, भारतीयों को शामिल कर लिया नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में। एंड हिज एक्सटेंडेड काउंसिल 1862 लॉर्ड कैनिन वायसराय नॉमिनेटेड थ्री इंडियंस। इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में तीन बंदों को मतलब शामिल किया था। उसमें थे एक राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला और सर दिनकर राव। तीन महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनके बेस में इनको आगे मतलब इसमें शामिल किया गया लेजिस्लेटिव में। अब इसी में हम बात करते हैं। तो इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। बच्चों देखिए, अभी तक क्या हो रहा था, सेंट्रलाइजेशन हो रहा था, अब डिसेंट्रलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिसेंट्रलाइज। तो बच्चों आपको समझना क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी। इट दस रिवर्स्ड द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी दैट स्टार्टेड फ्रॉम द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। मैंने बच्चों क्या बताया था, जो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था, यहाँ पे क्या था, सेंट्रलाइजेशन हुआ था। अभी क्या कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं। एंड रीच द क्लाइमेक्स अंडर द चार्टर एक्ट 1833। और ये बात 1833 में ही साबित हो गई थी। दिस पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डीवैल्यूएशन रिजल्टेड इन द ग्रांट ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ द प्रोविंस 1937। अब 1937 आते आते क्या होगा, जो प्रोविंस है वो पूरी तरीके से ही अपने आप में ही कंट्रोल रखेंगे, ठीक है। तो एक बड़ी घटना घट रही है यहाँ पे। इट आल्सो प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड पंजाब, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, विच वर एस्टेब्लिश इन, आपको ये डेट बच्चों ध्यान रखना है, पहला कि आपके 62 है, दूसरा आपका 86 है और तीसरा आपका 1897 है। तो तीनों डेट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट एम्पावर द वायसराय टू मेक रूल एंड ऑर्डर फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन द काउंसिल। इट आल्सो गिव अ रिकग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। अब भारत में क्या हो रहा था, पोर्टफोलियो सिस्टम आ रहा था, ठीक है। देखिए बच्चों, ये इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस होता है कि जब बाहरी व्यक्ति कोई भारत में आके इन्वेस्टमेंट करता है, दैट इज नोन एज पोर्टफोलियो इन्वेस्ट सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पोर्टफोलियो सिस्टम लेकिन थोड़ा सा अलग है। इंट्रोड्यूस्ड बाई लॉर्ड कैनिन इन 1859 अंडर दिस मेंबर ऑफ वायसराय काउंसिल वॉज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एंड वॉज ऑथराइज टू इशू फाइनल ऑर्डर ऑन द बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑन अ मैटर ऑफ हिज डिपार्टमेंट, ठीक है। बच्चों इसी पे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इट इम्पावर द वायसराय टू इशू द ऑर्डिनेंस। तो जो वायसराय था वो एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। देखिए, जब पार्लियामेंट मुद्दे मतलब रूलिंग पार्टी के रूप में नहीं होती है तो प्रेसिडेंट क्या करता है, एक इमरजेंसी ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। वैसे वायसराय भी उस समय जो था वो एक ऑर्डिनेंस जारी कर सकता था, ठीक है, विदाउट द सरकम
कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द लाइफ ऑफ सच एन ऑर्डिनेंस वॉज 6 मंथ, और जो वो वैलिड होता था सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के लिए बच्चों। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 बच्चों हम डिस्कस करेंगे, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके कुछ फीचर्स क्या है? इट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर इन ए सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, देखिए फिर यहाँ पे क्या हो रहा है कि इट इंक्रीज द नंबर ऑफ, यहाँ एडिशनल मेंबर को फिर से बढ़ाया जा रहा है, कहाँ पे? सेंट्रल और प्रोविंस दोनों में बढ़ाया जा रहा है, बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन देम, लेकिन एक ऑफिशियल मेजोरिटी भी होनी चाहिए। इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गिव दम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो यहाँ पे बजट पे चर्चा स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, पहली बार बजट पे देखिए पेश होने की बात 1861 में हुई थी, लेकिन अभी क्या हो रहा है 1892 में यहाँ पे बजट पे डिस्कशन करने की बात चल रही है। ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वायसराय ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। वहीं पे अगला पॉइंट कहते हैं दैट ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द गवर्नर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड म्यूनिसपैलिटीज यूनिवर्सिटीज ट्रेड एसोसिएशन जमींदार्स एंड चैम्बर्स। देखिए इतने सारे बंदे जो है एक नॉमिनेशन के लिए अपना नाम को दे रहे थे ताकि हम यहाँ पे पहुँचे और कुछ काम कर सके। द एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप सम नॉन ऑफिशियल सीट। अब यहाँ पे जो सीट थी इनको फिल करने की बात कर रही थी चल रही थी, चाहे वो सेंट्रल हो या प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल पे हो, लेकिन एक सब बच्चों ध्यान रखिएगा ये सब की सब नॉन ऑफिशियल सीट होंगी। द वर्ल्ड इलेक्शन वॉज हाउ वेयर नॉट यूज इन द एक्ट, यहाँ पे इलेक्शन की बात नहीं चल रही। द प्रोसेस वॉज डिस्क्राइब एज ए नॉमिनेशन मेड, देखिए जब भी नॉमिनेशन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पावर लिमिटेड हो जाती है। तो नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज, ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों आपको 1892 का भी एक समझ में आ गया। अब इसी में एक इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909 जिसको हम लोग बच्चों मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि जो मॉर्ले थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, वहीं जो मिंटो थे वो वायसराय होते थे, तो इन्हीं दोनों के नाम को मिला के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बना। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहे हैं इट कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, देखिए लगातार साइज क्या हो रहा है बच्चों बढ़ता जा रहा है बोथ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। द नंबर ऑफ मेंबर इन ए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रेज्ड, अभी देखिए बच्चों यहाँ 16 से 60 हो गया, पहले 4 फिर 6 फिर 6 अभी क्या हो गया 60 हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है मेंबर्स बढ़ रहे, पार्लियामेंट बन रही बच्चों। फिर देखिएगा इसी को कहते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि इतिहास में ही सारी चीजें पहले से बताएं। द नंबर ऑफ मेंबर इन अ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज नॉट यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह एक जैसे नहीं थे, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। इट रिटेन ऑफिशियल मेजोरिटी इन अ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। इट इनलार्ज द डिलिबरेटिव फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बोथ लेवल्स, ठीक है अब यहाँ पे दोनों लेवल पे क्या हो गया फंक्शन को परफॉर्म करने की बात चल रही थी। फॉर एग्जाम्पल मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मूव रेजोल्यूशन ऑन द बजट एंड सो ऑन। साथ ही साथ यहाँ पे क्या हो रहा है बजट पे भयंकर डिस्कशन चलने की बात कर रही थी बच्चों। ये इतना इंपॉर्टेंट है इससे तो क्वेश्चन पेपर में फंसता ही फंसता है। ठीक है तो मेंबर वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मूव रेजोल्यूशन ऑन द बजट एंड सो ऑन। इट प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियन विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय एंड द गवर्नर, पहली बार ऐसा हो रहा था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ही वॉज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर, ये एक लॉ मेंबर के रूप में पहली बार ऐसा हुआ था। अब आपसे एक नंबर में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है पहली बार लॉ मेंबर के लिए किसे अपॉइंट किया गया, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे। और इन्होंने साथ साथ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द मुस्लिम बाय एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, बच्चों सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता था कि मुसलमानों के लिए अलग इलेक्शन होगा और हिंदुओं के लिए अलग होगा, तो पहली बार कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है अंडर द मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली द मुस्लिम वोटर्स एंड एक्ट
लीगलाइज कम्युनलिज्म। लॉर्ड मिंटो कम टू बी नोन एज फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोड, इसीलिए इनको कहा जाता है। जो लॉर्ड मिंटो थे उनको हम लोग फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोड भी बोलते थे। इट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द सेपरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन एंड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड यूनिवर्सिटी एंड जमींदार। तो बच्चों ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ तक भी समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। अच्छा ये क्या है ये भी समझ लेते हैं। हुआ क्या था अगस्त 20, ठीक है अगस्त 20 का बात है। तो बच्चों इसी में अगर हम आगे बात कर रहे थे जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ठीक है। तो पिछला कंटेंट रिवीजन हो ही चुका, अब इस पर आगे नहीं बढ़ूंगा, फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 20 अगस्त 1917 से माना जाता है, इसका बेस आ गया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर किया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव वॉज ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया, कहा गया इसको। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था इसको इनेक्ट किया गया और ये लागू हुआ 1921 में। इसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहते थे, क्योंकि जो मॉन्टेग्यू थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वो वायसराय ऑफ इंडिया माने जाते हैं। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर बच्चों हम चर्चा करेंगे। द फीचर ऑफ दिस एक्ट क्या था, इट रिलैक्स द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द प्रोविंस। देखिए अब सेंट्रल कंट्रोल जो था वो रिलैक्स मिल रहा था प्रोविंस से, ठीक है, बाय डिमार्केटिंग एंड सेपरेटिंग द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट। तो जो प्रोविंशियल और से मतलब यहाँ सब्जेक्ट को अलग किया जा रहा था, ठीक है, क्या किया जा रहा था, अलग किया जा रहा था। अब वो क्या है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो लेजिस्लेचर थे वर ऑथोराइज टू मेक लॉ ऑन देयर रिस्पेक्टिव लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। तो जो अपने अपने सब्जेक्ट भी ये कानून बनाएंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट कॉन्टिन्यू टू बी सेंट्रलाइज एंड यूनिटरी। तो जो यहाँ पे स्ट्रक्चर था वो एक सेंट्रलाइज लेवल पे काम करेगा, ठीक है। इट फर्दर डिवाइडेड द प्रोविंशियल सब्जेक्ट इंटू टू पार्ट। और जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हुआ करते थे यानी जो स्टेट के सब्जेक्ट थे वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट था दूसरा रिजर्व था। तो ट्रांसफर सब्जेक्ट वो था जो एडमिनिस्ट्रेड बाय द गवर्नर थे विद द एड ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। वहीं जो रिजर्व सब्जेक्ट थे ऑन द अदर हैंड वर टू बी एडमिनिस्ट्रेड बाय गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कहा गया था, विदाउट बींग रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये जो थे वो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस ड्यूअल स्कीम ऑफ द गवर्नेंस वॉज नोन एज डायर्की, और इसे क्या बोला गया था, डायर्की बोला गया था, ठीक है। तो ये अपने आप में, तो बच्चों हम लोग डायर्की के बारे में बात कर रहे हैं। तो डायर्की का मतलब क्या होता है, विच मीन्स डबल रूल। डायर्की मतलब क्या है, डबल रूल। हाउ वेयर द एक्सपेरिमेंट वॉज लार्जली अनसक्सेसफुल हुआ, ये भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री। द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल वॉज रिप्लेस बाई कैमरा लेजिस्लेचर एंड कंसिस्टिंग ऑफ अपर हाउस, यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था, और लोअर हाउस जिसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, जो आज की डेट में राज्यसभा और लोकसभा के नाम से जानी जाती है। द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज वर चूजन बाई डायरेक्ट इलेक्शन, और जो मेंबर थे उनको एक डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चूज किया जा रहा था। इट रिक्वायर्ड दैट द थ्री ऑफ सिक्स मेंबर्स, ठीक है, देखिए इट रिक्वायर्ड द थ्री ऑफ सिक्स मेंबर्स ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड अदर देन कमांडर इन चीफ वर टू बी इंडियन। इट एक्सटेंडेड द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेटिव बाई प्रोवाइडिंग ए सेपरेट इलेक्टोड फॉर सिख, इंडियन, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन एंड यूरोपियन। अब यहाँ पे देखिए एक्सटेंड द प्रिंसिपल कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बात चल रही थी, और इसी को लेकर बहुत ही ज़्यादा बच्चों लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें पूना पैक्ट भी अभी आएगा। इट ग्रांटेड द फ्रेंचाइजीज टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, टैक्स और एजुकेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, लोगों को जो वोट देने का अधिकार था उसको लिमिटेड कर दिया गया, जिसके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो टैक्स दे रहा है, एजुकेटेड है, उन्हीं के पास तक सिर्फ एक वोट देने का अधिकार था। इट क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडियन टू लॉर्ड एंड ट्रांसफर टू हिज सम ऑफ द फंक्शन ही हैड टू परफॉर्म बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन एंड हैज अ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन वॉज सेटअप इन 1926। तो जो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बच्चों इस्टेब्लिश हुआ था, ये 1926 में इस्टेब्लिश हुआ था फॉर रिक्रूटिंग सिविल सर्वेंट, ठीक है, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। इट
इट सेपरेटेड द फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो अब बजट को अलग कर दिया गया, पहले बजट एक होता था, अब यहाँ पे क्या किया, स्टेट के बजट अलग पेश होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट अलग पेश होंगे। एंड ऑथराइज द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर टू इनेक्ट देयर बजट। और आखिरी पॉइंट जो है बच्चों, इट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैचुरी कमीशन टू इंक्वायर इनटू एंड रिपोर्ट ऑन इट्स वर्किंग आफ्टर 10 ईयर फॉर इट्स कमिंग टू फोर्स। और इसकी रिपोर्ट 10 साल बाद पेश करनी थी, ठीक है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, इसी में एक साइमन कमीशन है जो कि क्राउन रूल आपका खत्म हो चुका बच्चों। तो जो साइमन कमीशन है बच्चों, ये क्यों आया, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। तो पहला तो बच्चों आपको याद होगा, एक रॉयलेट एक्ट हुआ होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की बात की जा रही थी। तो नवंबर 1927 का समय है जब यहाँ पे करीब 2 ईयर्स बिफोर द शेड्यूल बन रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ 7 मेंबर स्टैचुरी कमीशन बना था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सर जॉन साइमन था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सर जॉन साइमन जो थे एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को पेश करने आ रहे थे, रिपोर्ट ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन चाल लेके आ रहे थे। ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमीशन वर ब्रिटिश, लेकिन सारे के सारे जो 7 मेंबर थे इसमें सारे ब्रिटिशर्स थे। ऑल द पार्टी बॉयकॉटेड द कमीशन। तो इंडिया में जब पार्टी, इन्होंने देखा यार ये क्या बात हुई, ये सारे के सारे बंदे हैं ना अंग्रेज हैं और यहाँ पे हम कैसे सब मैनेज करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, इसको बॉयकॉट कर दिया। और जब ये भारत में पहुँचा, इसको साइमन गो बैक के नारे लगा दिए गए। द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930। अब उसके बाद इसकी रिपोर्ट 1930 में पहुंचती है एंड रिकमेंडेड द एवोल्यूशन ऑफ डायरकी एंड एक्सटेंशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट एंड कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द कम्युनल इलेक्ट्रोड एंड सो ऑन। देखिए यहाँ पे कई सारे मुद्दे गर्मा गर्म हुए। एक तो कम्युनल इलेक्ट्रोड की बात चल रही थी कि सेपरेट इलेक्शन हो, प्रिंसली स्टेट अपना अलग डिमांड कर रहे थे, तो काफ़ी टुकड़ों में टूटने वाला था। तो क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट कन्वेड 3 राउंड टेबल, इन्होंने 3 राउंड टेबल बुलाई, कॉन्फ्रेंस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश इंडिया एंड द इंडियन प्रिंसली स्टेट। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो थी साथ साथ ब्रिटिश इंडियंस भी कुछ थे और जो इंडिया में प्रिंसली स्टेट थे वो भी आ रहे थे इसमें। ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वॉज प्रिपेयर्ड। अब एक जो यहाँ पे पेपर का सबमिटेड किया गया था जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के रूप में हम लोग जानेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे ये बोलते हैं कि जब अपनी रिपोर्ट ये पेश करते हैं, सबमिटेड फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी वर इनकॉर्पोरेटेड इन द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये पूरी रिपोर्ट जो है वो 1935 में पेश की जाएगी। अब बच्चों इसमें जो सबसे ज़्यादा गर्मा गर्म और बहस का जो टॉपिक था वो था कम्युनल अवार्ड, ठीक है, जो 1932 में आया था। एक रामसे मैकडोनल्ड नाम के व्यक्ति थे, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, अनाउंस द स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज विच कम टू बी नोन एज द कम्युनल अवार्ड, ठीक है। तो ये कम्युनल अवार्ड के रूप में इसको जाना जा रहा है। कम्युनल का मतलब ही होता है सेपरेट यानी अलग। द अवार्ड नॉट ओनली द कॉन्टिन्यूड सेपरेट इलेक्ट्रोड फॉर द मुस्लिम, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन, बट आल्सो एक्सटेंडेड इट टू बी डिप्रेस्ड क्लास। यानी ये तो अभी सबके लिए अलग अलग इलेक्शन की मांग कर रही थी, साथ साथ हिंदू में जो अलग अलग कास्ट थी जैसे SC हो गया, ST हो गया, इनमें भी अलग अलग इलेक्शन कराने की बात कर रही। गांधी जी भड़क गए, गांधी जी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, गांधी जी बहुत डिस्ट्रेस ओवर द एक्सटेंशन, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया, एक्सटेंशन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहते क्या है, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन टू बी डिप्रेस क्लासेस एंड अंडर टू अ फास्ट, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, एक फास्ट रखा यानी कि व्रत रखा, और ये तब तक मतलब जब तक इनकी डेथ ना हो जाए इस हिसाब से इन्होंने रखा था। और ये यरवदा जेल में थे जिसको आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में क्या कहा जाता है, मंदिर कहा जाता है, पूना। टू गेट द अवार्ड मॉडिफाइड, फिर भाई डॉक्टर जो B.R. अम्बेडकर थे पिघल गए, तो उन्होंने कहा ठीक है अच्छा मैं ऐसा नहीं करूंगा। एट लास्ट देयर वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन द लीडर ऑफ कांग्रेस एंड द डिप्रेस्ड क्लास, द एग्रीमेंट नोन एज पूना पैक्ट। अब पूना पैक्ट क्या है, गांधी जी और डिप्रेस्ड क्लास के जो व्यक्ति थे उनके बीच में ये साइन हुआ एंड रिटेन्ड द हिंदू ज्वाइंट इलेक्ट्रोड एंड गेव रिजर्व सीट टू द डिप्रेस क्लास। और इन्होंने वादा किया जो रिजर्व डिप्रेस क्लास के लोग हैं उनको रिजर्व सीट दी जाएगी, ठीक है। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब इसी में अगर हम आखिरी पॉइंट बात करते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आएगा। तो बच्चों इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो द एक्ट
mark a second milestone toward the completely responsible government in India. It was lengthy and detailed document having 321 सेक्शन एंड 10 शेड्यूल। देखिए बच्चों, ये जैसा हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वैसे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। इसमें क्या हुआ हम एक एक करके सारे पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पहला क्या कहते हैं, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑन एन ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंस एंड अ प्रिंसली स्टेट एज अ यूनिट। द एक्ट डिवाइडेड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट्स इन ए टर्म ऑफ थ्री लिस्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, तीन पार्ट में डिवाइड होगा, फेडरल लिस्ट जिसमें 59 आइटम्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें है ना 54 आइटम्स थे, वहीं अगर हम बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें 36 आइटम हुआ करते। बच्चों देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आज प्रेजेंट टाइम में हम बात करते हैं तो तीन तरीके की लिस्ट आती हैं, सबसे पहले आपका सेंट्रल लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है और कॉन्करेंट लिस्ट होता है। इसके अलावा जो आखिरी लिस्ट बच जाएगी उसको रेसिड्यूसरी पावर में डाल दिया जाता है, और जो रेसिड्यूसरी पावर है वो अल्टीमेटली किसके हाथ में थी, वायसराय के हाथ में हुआ करती थी, वैसे आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। फेडरेशन नेवर कम इनटू बीइंग एज अ प्रिंसली स्टेट डिड नॉट ज्वाइन इट। ठीक है, अब इसी में अगर हम बात करते हैं, इट एबॉलिश द डायरेक्टी इन अ प्रोविंस एंड इंट्रोड्यूस अ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ऑन इट्स प्लेस। द प्रोविंस वर अलाउड टू एक्ट, यहाँ पे कहा जा रहा है बच्चों जो एबॉलिश द डायरेक्टी, जो डायरेक्टी स्टार्ट हुई थी इसको एबॉलिश करने की बात चल रही थी। ठीक है इंट्रोड्यूस एन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी टू इट्स प्लेस। ठीक है, द प्रोविंस वर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनॉमस यूनिट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर डिफाइंड स्फीयर। मोर एवर द एक्ट इंट्रोड्यूस अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस, दैट इज द गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो गवर्नर है, ठीक है आपको समझना क्या बच्चों, द गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लिस्ट। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की बात चल रही है। दिस कम टू बी इफेक्ट इन 1937 में, ये इफेक्ट में आती है, वॉज डिसकॉन्टिन्यू, लेकिन 1939 में डिसकॉन्टिन्यू हो जाती है। अब इसी में अगर हम बात करते हैं, प्रोवाइडेड फॉर द एडेप्टेशन ऑफ डायरकी एट द सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो सेंटर में डायरकी है वो क्या हुआ, अडॉप्ट किया गया। कॉन्सिक्वेंटली द फेडरल सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो फेडरल सब्जेक्ट है इसको डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, एक रिजर्व सब्जेक्ट के रूप में, दूसरा ट्रांसफर सब्जेक्ट के रूप में। हाउ एवर दिस प्रोविजन ऑफ द एक्ट डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन एट ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा, प्रोविजन ऑफ द एक्ट में डिड नॉट कम इनटू ऑपरेशन एट ऑल, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेबल लेके आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट को डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, इट इंट्रोड्यूस द बाइकैमरलिज्म। अब यहाँ पे देखिए, एक यूनिकैमरलिज्म होता है, एक बाइकैमरलिज्म होता है, तो बाइकैमरलिज्म ने 6 out of 11 प्रोविंस, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, उस समय है ना जो करीब 11 प्रोविंस थे उसमें से 6 प्रोविंस ऐसे थे जहां पे बाइकैमरलिज्म था। लेजिस्लेचर ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार एंड आसाम एंड द यूनाइटेड प्रोविंस वर मेड बाइकैमरल। ठीक है, बाइकैमरल का मतलब होता है यहाँ पे दो फॉर्म में गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, वो अभी मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा। ठीक है, कंसिस्टिंग अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे एक अपर हाउस कहा गया था, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे लोअर हाउस कहा गया, ये स्टेट के अंदर ही हो रहा है बच्चों। हाउ वेयर मेनी रिस्ट्रिक्शन वर प्लेस्ड ऑन देम, तो यहाँ कई सारी तरीके ग्रुप, जैसे प्रेजेंट टाइम में भी हम आपको बात करें तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, वैसे उस समय भी यहाँ पे एक बाइकैमरलिज्म को लेके काम किया जा रहा था। इट फर्दर एक्सटेंडेड द प्रोविंस ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो एक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन चल रहा था डिप्रेस्ड क्लास के लिए, उस पर काम हो रहा था, जिसमें शेड्यूल कास्ट, वुमेन एंड लेबर सब आ रहे थे। इट एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया एंड एस्टेब्लिश द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का था इसको एबॉलिश किया जा रहा था। ठीक है, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज प्रोवाइडेड विद अ टीम ऑफ एडवाइजर। इट एक्सटेंड द फ्रेंचाइजी, देखिए फ्रेंचाइज का मतलब होता है वही वोट देने का जो अधिकार बता रहे हैं। अबाउट 10% ऑफ टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट। ठीक है, तो कहा गया है कि 10% यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन को था वोटिंग राइट मिल रहा था। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, रिजर्व बैंक RBI बनाने की बात चल रही थी। इट प्रोवाइडेड
इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट आल्सो अ प्रोविंशियल सिविल सर्विस कमीशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था ही बट आल्सो अ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर टू और मोर प्रोविंस। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट विच वॉज सेटअप इन 1937। देखो बच्चों, अपने आप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक फेडरल कोर्ट बना था कब? 1937 को। अब एक आखिरी बच्चों है जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखिए, जो कि फरवरी 20, 1947 का समय ही है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है क्लेमेंट एटली, डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश रूल इंडिया कुड एंड। इन्होंने 20 फरवरी 1947 को डिक्लेयर कर दिया कि 30 जून 1948 को भारत से ब्रिटिश रूल क्या होगा, खत्म हो जाएगा। बट विच द पावर वुड बी ट्रांसफर टू द रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड, और जो ये पावर है वो कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों के हाथ में सौंप दी जाएगी। दिस अनाउंसमेंट वॉज फॉलोड बाय द एजिटेशन बाय द मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग गुस्सा आ गई तो उसने कहा भैया हमको तो एक अलग देश चाहिए, डिमांडिंग द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। एंड अगेन फिर क्या हुआ, डेट बढ़ गई। अब जहां हमें 30 जून को देश आज़ाद होने वाला था, वहीं 3 जून 1947 को बात छिड़ गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट ऑफ द कंट्री विच वर अनविलिंग टू एक्सेप्ट। देखिए, अब भारत में संविधान बनने वाला था तो उन्होंने कहा कि किसी के ऊपर आप जबरदस्ती कानून नहीं बना सकते, जिसको इच्छा हो वो भारत में शामिल हो, जिसको इच्छा नहीं वो नहीं शामिल होगा, वो अपना एक अलग स्वतः इंडिपेंडेंट रह सकता है। ऑन द सेम डे, 3 जून 1947 की बात थी, लॉर्ड माउंटबेटन द वायसर ऑफ इंडिया थे, ठीक है, पुट फॉर द पार्टीशन प्लान। ये पार्टीशन प्लान लेके आते हैं जिसको हम लोग माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा प्लान लेके आते हैं? पार्टीशन, ठीक है, माउंटबेटन प्लान हम जिसको कहेंगे। द प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। अब इस प्लान को क्या हुआ, कुछ हद तक इनको सेटिस्फाई किया, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इमीडिएट इफेक्ट वॉज गिवन टू द प्लान बाय इनेक्टिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, और इसी वेस में भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे आपको समझना क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम चर्चा कर रहे हैं। अब इसके कुछ फीचर्स पहले डिस्कस कर देते हैं, लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट चर्चा कर लेते हैं। इट इंडेड द ब्रिटिश रूल इंडिया, भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रिटिश रूल क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। एंड डिक्लेयर इंडिया एज इंडिपेंडेंट, और भारत पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएगा और एक सुवर्जन स्टेट कहलाया जाएगा 15 अगस्त 1947। साथ ही साथ इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड द क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। ठीक है, अब भारत जो है दो पार्ट में टूट रहा था, इंडिया और पाकिस्तान, विद द राइट टू सीड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ठीक है, साथ ही साथ इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ वायसराय एंड प्रोवाइडेड फॉर ईच डोमिनियन, जो भारत में एक पद था वायसराय का, इसको खत्म करने की बात की। एंड गवर्नर जनरल हु वॉज टू बी अपॉइंटेड बाई द ब्रिटिश किंग ऑन द एडवाइस ऑफ डोमिनियन कैबिनेट, हिज मेजेस्टी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन वॉज टू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। देखिए, यहाँ पर कई सारे पोस्ट को खत्म किया जाएगा और नए सिरे से सरकार बनाने की बात चल रही थी। ठीक है, इट इम्पावर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ बोथ द डोमिनियन टू लेजिस्लेटिव फॉर देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर ड्राफ्टेड एंड इन्फोर्स। एक नए संविधान की मांग चल रही, तो नया संविधान के हिसाब से सारी चीज़ें होंगी। नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट पास आफ्टर, मतलब कोई भी एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट का 15 अगस्त 1947 के बाद एक्सटेंड नहीं होगा। वॉज टू एक्सटेंड आइदर ऑफ न्यू डोमिनियन अनलेस इट वॉज एक्सटेंडेड देयर टू बाई लॉ एंड लेजिस्लेचर ऑफ द डोमिनियन। अगला पॉइंट यही भी कहते हैं, अबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और ये एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो इंडिया में पोस्ट थी इसको भी हटा दिया जाएगा। एंड ट्रांसफर हिज फंक्शन टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द कॉमनवेल्थ अफेयर। साथ ही साथ इसमें जो अगला पॉइंट कहा गया है, इट प्रोक्लेम द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर द इंडियन प्रिंसली स्टेट एंड ट्रीटी रिलेशन विथ ट्राइबल एरिया फ्रॉम अगस्त 15, 1947। ठीक है, अब इसी में हम बात करेंगे। ठीक है, इट ग्रांटेड अ फ्रीडम टू द इंडियन प्रिंसली स्टेट आइदर टू ज्वाइन द डोमिनियन ऑफ इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान और टू रिमेन इंडिपेंडेंट। देखिए, यहाँ पे साफ साफ ये कहा गया कि तीन ही कंडीशन थे, एक प्रिंसली स्टेट थे, एक पाकिस्तान डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान था, दूसरा डोमिनियन ऑफ इंडिया था। तो आप मतलब तीनों में से किसी में भी जा सकते हैं या इंडिपेंडेंट, ये आपके ऊपर है। अगला पॉइंट कहते थे, इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ डोमिनियन, ठीक है, एंड द प्रोविंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, कुछ लोग 1945 का जो एक्ट था इसी के बेस पे ना सारी चीज़ों को लागू करा रहे थे।
तो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ लोग 1935 के हिसाब से कर रहे थे और कुछ लोगों को लग रहा था कि जब तक नया संविधान नहीं बन जाता तब तक हम लोग 1935 के हिसाब से ही इसको गवर्न करेंगे। द डोमिनियन वर हाउएवर ऑथराइज टू मेक मॉडिफिकेशन इन द एक्ट, और साथ साथ उन्हें कुछ मॉडिफाई कर सकते थे इमरजेंसी रूप में। आगे जो अगला पॉइंट कहते हैं, हाँ सॉरी सर बच्चों, इट डिप्राइव द ब्रिटिश मोनार्क ऑफ हिज राइट टू वीटो। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा था, वीटो बिल जो था और आस्क रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल और हिज अप्रूवल, बट द राइट वॉज रिजर्व फॉर द गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल वुड हैव अ फुल पावर टू असेंट टू एनी बिल इन द नेम ऑफ हिज मेजेस्टी। इट डिजिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड द प्रोविंशियल गवर्नर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। देखिए जो गवर्नर जनरल था ये कॉन्स्टिट्यूशनल उसका हेड माना जा रहा था, ठीक है। दे वर मेड टू एक्ट फॉर द एडवाइस ऑफ रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन ऑल मैटर। अगला पॉइंट कहते हैं ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर। देखिए उस समय जो राजा महाराजा के जो बिल वगैरह हो रहे थे, देखिए बच्चों इसमें जो मैं आपको एक पॉइंट इंपॉर्टेंट समझाना जो चाह रहा हूँ, ठीक है, इट ड्रॉप द मतलब उस समय क्या था, जो बड़े बड़े राजा महाराजा के जो टाइटल थे, सब थे महाराजा अधिराज, ये सारे टाइटल को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। इट डिसकॉन्टिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। द मेंबर ऑफ द सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड बिफोर द अगस्त 15, 1947 वुड कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल बेनिफिट दैट दे वर एंटाइटल्ड टू टिल दैट टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे एक माइलस्टोन, 14-15 अगस्त की रात को भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, ब्रिटिश रूल कम टू एन एंड, फाइनली देश आजाद हो गया एंड वॉज ट्रांसफर टू न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द न्यू डोमिनियन ऑफ इंडिया। ही सोर इन जवाहरलाल नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की शुरुआत हो रही थी, 1946 में बैठक होती है, ठीक है, और पार्लियामेंट बनने की शुरुआत शुरू होती है। अगर हम इसी में कुछ महत्वपूर्ण लीडरों के बारे में बच्चों बात करते हैं, ठीक है, तो महत्वपूर्ण लीडर जो हमारे हैं जवाहरलाल नेहरू, जिनके बारे में सभी लोग जानते हैं, हमारे देश के महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं और इनके पास कुछ महत्वपूर्ण पद आए, जैसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल के कुछ मैटर्स थे, ठीक है, साथ ही साथ एक्सटर्नल अफेयर्स थे, कॉमनवेल्थ भी थे। सरदार वल्लभ भाई हमारे देश के पहले होम मिनिस्टर बने, इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग थे, उसके बाद कई सारे मंत्रालय पद अलग अलग मिनिस्टर्स को दिए गए, ठीक है। वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं जाते, जो मेन कंटेंट था वो आपको मैंने क्लियर कर दिया। बच्चों उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको समझ में आया होगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके सामने लेके आऊँगा। 80 लेक्चर लगातार मुझे रिकॉर्ड करने हैं आपके लिए, ठीक है, तो आपका सहयोग और आपका इसने मुझे चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।